करें स्टार्ट नेक्स्ट है हमारा हम ट्राइक्शन में फेलियर एनवलप कैसे प्लॉट करते हैं ठीक है डीएसटी में आपने देखा होगा डीएसटी में हम फेलियर एनवलप कैसे प्लॉट करते हैं तो आज हम देखेंगे हम ट्राइक्शन में फेलियर एनवलप कैसे प्लॉट करते हैं तो फेलियर एनवलप प्लॉट करने के लिए हम एक ही सॉइल के एक ही सॉइल के तीन सॉइल सैंपल लेते हैं ठीक है। फेलियर करने के लिए हम एक ही सॉइल के तीन सॉइल सैंपल लेते हैं और इन तीन सोयल सैंपल्स को हम टेस्ट करते हैं अंडर डिफरेंट सेल प्रेशर्स, प्रेशर्स। ठीक है तो मैंने बोला एक ही सॉइल के हम तीन सॉइल सैंपल लेते हैं इन तीन सॉयल सैंपल्स को हम ट्राइक् टेस्ट करते हैं अंडर डिफरेंट सेल प्रेशर्स और अंडर डिफरेंट सेल प्रेशर्स के टाइम उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद हम इन तीनों सॉयल सैंपल्स के मुहर सर्कल प्लॉट करते हैं एट द टाइम ऑफ फेलियर ठीक है उसके बाद हम इन तीनों सॉइल सैंपल्स के मुहर सर्कल प्लॉट करते हैं एट द टाइम ऑफ फेलियर फेलियर के टाइम ये हमने तीन मोर को प्लॉट किए उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे टू दीज मोर सर्कल्स एक कॉमन टेंजन ड्रा करेंगे टू दीज मोर सर्कल्स दिस कॉमन टेंजेंट विल बी आवर फेलियर एन यही होगा हमारा फेलियर एन क्लियर क्लियर हुआ सबको लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कीजिए हाँ तो फ्रॉम एक कॉमन टेंशन ड्रॉ करेंगे ऑल सर्कल्स दैट कॉमन विल बी नोन एज फेलियर एंड वाला उसी को बोलेंगे फेलियर एंड वाला हो गया क्लियर ना yes, अब मसला यहाँ पे फेलियर स्ट्रेस हम क्या ठीक है? मसला है कि मैंने आपको बोला एट द टाइम ऑफ फेलियर हम को प्लॉट करेंगे तो मसला है फेलियर स्ट्रेस हम क्या लेंगे फेलियर स्ट्रेस हम क्या लेंगे जिन सॉइल्स में पीक वैल्यू मिलता है उन सॉइल्स में हम या तो पीक वैल्यू ले सकते हैं या अल्टीमेट वैल्यू ले सकते हैं ठीक है तो मैंने बोला, हाँ, failure stress ले? तो मैंने बोला बोला जिन में हमें पीक वैल्यू मिलता है उन सॉइल्स में हम या तो पीक वैल्यू ले सकते हैं फेलियर स्ट्रेस या अल्टीमेट वैल्यू ले सकते हैं अब पीक वैल्यू किस किस में मिलता है पीक वैल्यू मिलता है Dense sand में या ओवर कंसोलिटेड क्ले में मिलता है इनमें हमें पीक वैल्यू मिलता है अब अगर लू सैंड की बात करें या उन सॉइल्स की बात करें जिनमें हमें पीक वैल्यू नहीं मिलता है ठीक है अब वो सॉइल्स जिनमें हमें वो सॉइल जिनमें हमें पीक वैल्यू नहीं मिलता है सच एज लू सैंड ठीक है वो सॉइल जिनमें हमें पीक वैल्यू नहीं मिलता है सचैसे लूज सैंड, उसमें हम फेलियर स्ट्रेस क्या ले तो उनमें हम क्या करते हैं उनमें हम देखते हैं हम देखते हैं स्ट्रेस कितना है एट ट्वेंटी परसेंट स्ट्रेन स्ट्रेस कितना है एट ट्वेंटी परसेंट स्ट्रेन वही हम लेते हैं हैज अल्टीमेट और उसी पे हम मोर सर्कल ड्रा करते हैं क्लियर हुआ यहां तक क्लियर है सबको यस सर नाउ इसके अलावा ये मोर सर्कल हम प्लॉट कर सकते हैं इधर इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस ये मोर सर्कल हम प्लॉट कर सकते हैं इधर इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस और इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ठीक है तो ये मोर सर्कल हम या तो प्लॉट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस भी हम प्लॉट कर सकते हैं बट डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस कुछ और फेलियर अनुप मिलेगा एंड इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ और फेलियर एनवलप मिलेगा फेलियर एनवलप सेम नहीं होंगे ठीक है अगर हम इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस प्लॉट करें कुछ और फेलियर एनवलप मिलेगा एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस कुछ और फेलियर एनवलप मिलेगा और वो फेलियर अनुल आपस में इक्वल नहीं होंगे वो डिफरेंट होंगे नाउ अब यहां पे एक टर्म डिफाइन की गई है दैट इज ब्रिटलनेस एक छोटी सी टर्म डिफाइन की गई है दैट इज ब्रिटलनेस ब्रिटलनेस क्या है ब्रिटलनेस है पीक स्ट्रेंथ माइनस अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय अल्टीमेट स्ट्रेंथ ठीक है वैल्यू द ब्रिटलनेस ऑफ दॉयल सॉइल कितनी ब्रिटल है वो हमें दिखाती है ये द ब्रिटलनेस और ये ब्रिटेलनेस किसके बराबर होती है पीक स्ट्रेंथ माइनस अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पीक स्ट्रेंथ यहां तक क्लियर है सबको ओके सर नाउ तो अब हम देखेंगे फेलियर तो पहले हम देखेंगे फॉर सीडी कंडीशन फेलियर एनोलप फॉर सीडी कंडीशन अब फेलियर एनोलप कैसा होगा वो डिपेंड करता है अगर हम क्ले की बात करेंगे तो वो डिपेंड करता है क्या सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है या ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है ठीक है फेलियर एनवलप इस पे भी डिपेंड करता है ठीक है फिर दैट फेलियर एनवलप पास्ट स्ट्रेस हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है ठीक है सो फेलियर एनवलप ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पास्ट स्ट्रेस हिस्ट्री उसका मतलब क्या है उसका मतलब यह है कि क्या सॉयल नॉर्मली कंसोलटेड क्ले है या ओवर कंसॉलिटेड क्ले है तो दोनों के लिए फेलियर एंड डिफरेंट आते हैं तो जब दोनों के लिए फेलियर एंड डिफरेंट आते हैं तो उस वजह से फिर हमें ये दोनों सॉइल्स लेने पड़ेंगे अंडर ईच ड्रेनेज कंडीशन तो सीडी कंडीशन पहले हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस तो अगर हम NCC के लिए देखेंगे दिस इज अ ग्राफ फॉर NCC एंड दिस इज अ ग्राफ फॉर OCC. तो अगर हम देखेंगे यहां पे सी डी कंडीशन में एनसीसी के लिए जो ग्राफ मिलता है हमें वो कुछ ऐसा मिलता है एंड OCC के लिए जो हमें ग्राफ फेलियर अनुभव मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है ठीक है तो अगर हम एनसीसी के लिए देखेंगे यहां पे शेयर स्ट्रेंथ तो शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर आएगा एनसीसी के लिए शेयर स्ट्रेंथ आएगा सिंपली बराबर सिग्मा और इन टर्म्स ऑफ अगर ओसीसी के लिए हम देखेंगे यहां पे शेयर स्ट्रेंथ कितना आएगा वो आ रहा है एस इज इक्वल टू यहां पर कोई भी मिलता है हमें सी प्लस सिगमा टैन फाइव ठीक है आप क्लियरली देख रहे हो अगर हम सीडी कंडीशन देखेंगे और ओसीडी कंडीशन में फेलियर अनला बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस तो एनसीसी के लिए हमें कोहिजन नहीं मिलता है बट ओसीसी के लिए हमें कोहिजन मिलता है अब अगर इसी कंडीशन के लिए हम फेलियर अनला प्लॉट करें बट इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस तो ये ग्राफ होगा एन के लिए और ये ग्राफ होगा ओ के लिए तो एनसीसी के लिए जो यहां पे ग्राफ आता है फेलियर अलम मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है दिस तो विल बी फाइड डैश एंड ओसीसी के लिए जो हमें फेलियर अनुप यहां पर मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है दिस विल बी फाइव डैश एंड दिस यूल सी डैश तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो शेयर स्ट्रेंग किस के बराबर आएगी शेयर स्ट्रेंग आएगी बराबर सिग्मा डैश टेन फाइव डैश और इन केस ऑफ ओसीसी अगर हम शेयर स्ट्रंग देखेंगे तो शेयर स्ट्रंग किसके बराबर आएगी सी डैश प्लस सिग्मा डैश डैश अब ये फेलियर कैसे हम प्लॉट करते हैं ये फेलियर एनलब्स हम कैसे प्लॉट करते हैं ये मैंने आप लोगों को अभी सिखाया हम तीन एटलीस्ट तीन मोहर सर्कल प्लॉट करते हैं फिर उनपे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं नाउ सिंस सीडी टेस्ट में सिंस सीडी टेस्ट में इफ पोर वाटर प्रेशर जो है वो जीरो होता है सिंस सीडी टेस्ट में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज जीरो तो टोटल स्ट्रेस किसके बराबर आता है टोटल स्ट्रेस आता है बराबर इफेक्टिव स्ट्रेस के सो दैट मींस इन सीडी टेस्ट जो टोटल स्ट्रेस का फाइव होगा एनसीसी के लिए वो होगा फाइव डश ऑफ द एन सी सी सिमिलरली जो ओ सी सी का सी होगा वो होगा बराबर सी डैश इन ओ सी सी सॉइल या जो ओ सी सी का फाइव होगा वो होगा बराबर फाइव ऑफ द ओ सी सी बट ओनली इनकेस ऑफ सी डी कंडीशन ओनली एंड ओनली इनकेस ऑफ सी डी कंडीशन हो गया क्लियर ये क्लियर है क्या आगे चलूस क्लियर yes, रिपीट करना है किसी के लिए किसी के लिए रिपीट करना है इफला गया yes, समझ इस टाइम कौन कौन नोट्स बना रहा है सर मैं सब बना रहे हैं सर इस टाइम ना इस टाइम सर सभी बनाते हैं सब सब ओके सो दिस वाज़ द फेलियर एनालॉग फॉर सीरी कंडीशन अब देखेंगे हम फेलियर एनालॉग फॉर सीयू कंडीशन सी यू कंडीशन के लिए भी हमें देखना पड़ेगा पहले इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस सी यू कंडीशन के लिए भी हमें देखना पड़ेगा पहले इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस तो इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस अगर हम देखेंगे एक एनसीसी सी के लिए एनसीसी सॉइल के लिए नॉर्मली जो फेरियर एनलॉप आता है वो आता है ऐसे और यहां पे जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन उसको हम बोलते हैं फाइ सी यू दैट इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ टर्मसू टेस्ट सो दैट मीनस तो शेयर स्ट्रेंथ कि, किसके बराबर आएगी यहाँ पे एनसीसी के लिए इन सी यू टेन कंडीशन दिस विन सॉरी फाइव सी यू तो वही अगर हम अब देखेंगे ओ सी सी के लिए ओ सी सी के लिए हमें फेलियर एनवल कुछ ऐसा मिलता है अप टू दिस जोन द सॉइल इज ओवर कंसोलिटेड एंड आफ्टर दिस जोन दॉर्मली के लिए अगर हम सी यू टेस्ट में फेलियर करते हैं वो कुछ टेढ़ा आता है कब तक टेढ़ा आता है तब तक आता है जब तक सॉइल जो है ओवर कंसोलेशन जोन में है सो दिस इज ओवर कंसोलेशन जोन एंड इस पॉइंट के बाद सॉइल जो है नॉर्मली कंसोलिटेड होती है दिस जोन विल बी नॉर्मली कंसोलिडेटेड जोन अब हम क्या करते हैं इस कर्वड फेलियर को इक्वेट करते हैं, टू ए स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे हम देखते हैं कोहिजन कितना है दिस कोहिजन विल बी नोन एज सी सी यू और यहाँ पे देखते हैं एंगल कितना है दिस एंगल इज नोन एज फाइव सी यू सो वट विल बी द शेयर स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ होगी बराबर सी सी यू प्लस सिग्मा टेन फाइव सी यू क्लियर ठीक है एक करव फेलियर एनल को स्ट्रेट लाइन लिया जाता है तो शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर आएगी एस इज इक्वल टू सी सी यू प्लस सिग्मा टेन फाइव सी यू तक क्लियर है सबको क्लियर है सबको हा? जी सर ओके okay. सो so, अगर हम अब यही फेलियर एनोलप्स देखें इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस तो अगर हम पहले एनसीसी के लिए देखेंगे एनसीसी के लिए जो इफेक्टिव स्ट्रेस अगर हम देखेंगे तो फेलियर कुछ ऐसा आता है और यहां पे जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बन जाता है वो लगभग फाइडैश के ही बराबर होता है फाइडैश मीन जो आपको शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर मिला इन केस ऑफ सीडी टेस्ट बट इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस और अगर हम देखेंगे फॉर ओ सीसी सॉइल ओ सीसी सॉइल के लिए यहां पर जो हमें सीडासी कोजन मिलता है वो सीडाइशी होता है एंड जो एंगल ऑफ इंटरल फ्रक्शन यहां पर मिलता है वो फाइडाइशी मिलता है सो दैट मीन्स एन सी सी के लिए शेयर स्ट्रेंथ यहां पे किसके बराबर होगा सिग्मा डैश टेन फाइव डैश और ओ सी सी के लिए शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर होगा एस इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा डैश टेन फाइव डैश अब देखो यहां पे सी यू कंडीशन में जो हमें शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स मिलते हैं ना इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस फ डैश सी डैश वो लगभग सेम है एज द शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीडी टेस्ट इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस गौर से देखना सीडी टेस्ट में आपने क्या देखा सीडी टेस्ट में आपने देखा जो इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स है वही है बराबर टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स के आप सी यू कंडीशन में आप क्या देख रहे हो सी यू कंडीशन में देख रहे हो जो शेयर स्ट्रेंथ जो इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स है सीयू टेस्ट में आप क्या देख रहे हो जो इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स है वो लगभग है बराबर इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स फ्रॉम सी डी टेस्ट हो गया क्लियर रिपीट करना है किसी के लिए किसी के लिए रिपीट करना है सर। तो हम आगे चलते हैं अब तीसरी कौन सी कंडीशन है यू यू कंडीशन तो कंडीशन में भी हम पहले देखेंगे इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस तो दिस इज द ये पहले फेलियर एन, एनवलप हम बनाएंगे एनसीसी के लिए और ये दूसरा फेलियर एनवलप हम बनाएंगे OCC के लिए अब देखो यहाँ पे जब आप एक सॉइल के तीन सॉइल सैंपल लेते हो और इनको टेस्ट करते हो अंडर डिफरेंट कलफाइनिंग प्रेशर बट एंड द कंडीशन इज यू यू तो देखा गया है एट द टाइम ऑफ फेलियर जो इनमें मोहरसर को बनते हैं वो बनते हैं ऑफ इक्वल डायमीटर ठीक है यू यू में मैंने आपको बताया यू यू में अगर आप तीन सोइल सैंपल लेते हो अंडर डिफरेंट कंफाइनिंग स्ट्रेस और इनके आप मोहर सर्कल प्लॉट करते हो तो देखा गया है वो तीनों उनके जो तीनों मोहर सर्कल होते हैं वो होते हैं ऑफ इक्वल डायमीटर उनका डायमीटर इक्वल होता है ठीक है तीनों का डायमीटर क्या है इक्वल है तो जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे द कॉमन टेंजेंट विल बी ए वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी द कॉमन टेंजेंट विल बी ए स्ट्रेट लाइन जिसमें फाइव क्या होगा जीरो होगा अब चूंकि ये अनड्रेन कंडीशन है तो इसको हम लिखेंगे फाइव यू यू तो दैट मीन्स यहां पे हमें शेयर स्ट्रेंथ मिलती है ओनली इन केस ओनली विद विद कोहीजन ठीक है तो दैट मीन्स यहां पे हमें शेयर स्ट्रेंथ मिलती है ओनली बिकॉज ऑफ कोहिजन तो दिस इज द कोजन को हम बोलते हैं तो अगर आप यहां पे देखोगे वट विल बी द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ एन दैट विल बी सिंपली सी यू यू तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेंथ हमें मिलती है वो मिलती है ओनली बिकॉज ऑफ कोहिजन एंड कोहिजन इज नोन एज अंड्रेनेड कोहिजन और इस शेयर स्ट्रेंग को ही हम बोलते हैं अनड्रेनेड शेयर स्ट्रेंग इस शेयर स्ट्रेंग को ही हम बोलते हैं अन क्लियर है सबको yes, Now, अगर आप ओ सीसी सॉइल में देखेंगे में भी, अगर आप मोहर सर को डायमीटर सेम होगा वहां पे भी तीन मोहर सर्गो का डायमीटर सेम होगा बट उनका डायमीटर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एन सी सी उनका डायमीटर जो है ज्यादा होगा मीन एज कंपेयर टू एन सी सी मीन्स उनका जो कोहिजन होगा वो वो, वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एन सी सी तो यहां पर भी शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर आएगा सीओ यू यहां तक समझ आया पहले सबको यहां तक समझ आया सबको ना yes, अब अगर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस तो पहले हम देखेंगे एनसीसी के लिए तो दिस विल बी रेफर और ओ सी सी अब एनसीसी के लिए पहला सॉइल सैंपल आपने लिया एट द टाइम ऑफ फेलियर, फेलियर प्लॉट किया वो कुछ ऐसा आया एट फेलियर, फेलियर ऐसा आया ओके okay. नाउ चूंकि ड्रेनेज कंडीशन कौन सी है यू यू कंडीशन है गौर से सुनना चूंकि ड्रेनेज कंडीशन कौन सी है यू यू कंडीशन है तो जब आप दूसरा सॉइल सैंपल लोगे अंडर डिफरेंट कन्फाइनिंग स्ट्रेस तो डिफरेंट कन्फाइनिंग स्ट्रेस के लिए आपको कन्फाइनिंग स्ट्रेस इंक्रीज करना है जब आपने कन्फाइनिंग स्ट्रेस को इंक्रीज किया जब आपने एक मिनट 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 कहा पहुंचा मैं मैं क्या बता रहा था कोई बताएगा मैं मैं कहां पे था सर तो यही कि जब हम मतलब डिफरेंट कंफाइनेट प्रेशर देंगे तो उसके लिए हमें इंक्रीज करना होगा ओके 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 बिल्कुल सही तो पहले तो पहली रीडिंग के लिए मोहर सर्कल आपने प्लॉट किया पे फिर आपने देखा वहां पे pressure, कितना हुआ है तो आप क्या, आपने क्या किया आपने निकाला फिर इफेक्टिव कन्फाइनिंग स्ट्रेस तो वो किसके बराबर आएगा कन्फाइनिंग स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर तो वो स्ट्रेस आएगा तो वहां यहाँ पे आपने देखा इसी तरह फेलियर स्ट्रेस इसी तरह फेलियर प्रिंसिपल स्ट्रेस

इफेक्टिव मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर होगा वो होगा बराबर इफेक्टिव कन्फाइनिंग स्ट्रेस प्लस इफेक्टिव डिटर स्ट्रेस तो वो आपने देखा तो आपने मोहर सर्कल प्लॉट किया पहली रीडिंग के लिए ये समझ आया सबको नाउ yes, जब आप दूसरी अब आपको दूसरी रीडिंग लेनी है दूसरी सॉइल सैंपल के लिए ट्रायसल टेस्ट करना है उसको उसके लिए कन्फाइनिंग स्ट्रेस आपको इंक्रीज करना है अब मसला ये है कि ये यू यू कंडीशन है तो दैट मीन जब आप कन्फाइनिंग स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हो तो यहां से पोवर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ये देख लो इक्वेशन से पता चलेगा जब आप कन्फाइनिंग स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हो तो यहां से पोवर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा विद द रिजल्ट नेट इंक्रीज इन कन्फाइनिंग स्ट्रेस नेट इंक्रीज इन इफेक्टिव कन्फाइनिंग स्ट्रेस जीरो होता है विद द रिजल्ट नेट इनक्रीज इन इफेक्टिव कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस वो जीरो होता है सो दैट मीन दूसरी रीडिंग के लिए जो मोहर सर्कल है वो भी यही से स्टार्ट होगा जब आप निकालोगे इफेक्टिव मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वो यही पॉइंट वापस आता है तो विद द रिजल्ट जब आप मोहर सर्कल प्लॉट करोगे दूसरी रीडिंग के लिए वो पहले रीडिंग से कॉइनसाइड करेगा इसी तरह जितने भी रीडिंग्स आप उठाओगे जितने भी आप मोहर सर्कल्स प्लॉट करोगे वो सारे के सारे मोहर सर्कल कॉइनसाइड होंगे पहले वाले मोहर सर्कल पे पहली रीडिंग के मोहर सर्कल पे आया समझ Yes, so. रिपीट करना है किसी के लिए किसी के लिए रिपीट करना है चलो ठीक है फिर तो सेम थिंग विद द ओसीसी ओसीसी में भी आप जब आप पहली रीडिंग के लिए मोहर सर्कल प्लॉट करते हो उसके बाद आप बाकी रीडिंग्स के लिए मोहर सर्कल प्लॉट नहीं कर सकते हो क्यों क्योंकि वो भी कॉइन होंगे ऑन द फर्स्ट मोहर सर्कल तो अगर सॉइल सैचुरेटेड है द फेलियर अ स्ट्रेट लाइन फेलियर एनल स्ट्रेट लाइन होगा सो दिस विल बी द कोहीजन लेकिन यहाँ पे जो कोहीजन है वो हम सी यू यू डैश रखते हैं तो फाइव यू यू डैश हर विल बी जीरो सिमिलरली यहां पे भी ओ सी सी के लिए भी दिस कोविजन विल बी सी यू यू डैश एंड दिस एंगल विल बी फाइव यू यू डैश वो जीरो होगा ठीक है सो व्हाट विल बी शेयर स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे एनसीसी के लिए शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर होगा सी यू यू डैश के बराबर होगा एंड अगर हम देखेंगे ओ सी सी के लिए शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर होगा वो भी सी यू यू डैश के बराबर होगा बट रिमेंबर जो सी यू यू है ओ सी सी के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा है सी यू यू फॉर एन सी सी के लिए रिमेंबर ये सेम नहीं है क्लियर यहाँ तक समझ आया सबको yes, चले आगे सर सर बस इतना ही, निकलना है। इतना ही ही निकलना है कितने बजे निकलना है सर आठ बजे बस आती है आठ बजे बस आती है यस yes, सर तो इतना ही पढ़ोगे आज यस सर यस बाकी लोग तो बता ही नहीं रहे हैं Yes, चलो चलो ठीक है चलो इनशाला कल मिलते हैं तब तक के लिए कॉलेज में मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज